स्वागत हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में जिस तरीके की हालात इस वक्त हैं, स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है, शिवसेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। शिवसेना अब कांग्रेस के लिए किस तरीके से सचिन पायलट और बीजेपी पर आरोप लगा रही है, यहाँ तक कि उसकी बौखलाहट देखी जा रही है। सचिन पायलट को कुछ दिन पहले उसने ये कहा था कि वो चूहे की तरह भाग रहे इस वक्त, और लोकतंत्र की बात शिवसेना कर रही है। उसका ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने खरीद फरोख्त किया है, राजस्थान में सरकार गिरा रही है, ये लोकतंत्र में नहीं आता और ये अलोकतांत्रिक है। लेकिन शिवसेना जो इस वक्त इस तरीके की भाषा बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस अगर देखे तो कांग्रेस और शिवसेना एनसीपी का महाराष्ट्र में गठबंधन है और उसमें भी आपसी विवाद आए दिन देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जिस तरीके का विवाद है और इसे देखते हुए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घबराई हुई है शिवसेना, क्योंकि उसको लग रहा है कि राजस्थान में सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र की ही बारी है। ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत पूरी तरीके से बौखला गए हैं। उनका ये कहना है कि वहां पर बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, सचिन पायलट को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो केंद्र सरकार है, इसी वजह से वो इस तरीके की बगावत कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सचिन पायलट ने मेहनत की थी और अगर उसके बाद उनको फल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको सरकार बचाने की ज़रूरत थी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार चल रही है, शिवसेना को डर है कि जिस तरीके से मैंने लोकतंत्र की आज वो बात कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटा, तीसरे नंबर की पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, बीजेपी के गठबंधन में रहकर उन्होंने जनता से वोट लिए, लेकिन उसके बाद अपने पुत्र को आगे करने के लिए, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटकर सरकार बनाई है। लेकिन अब इस वक्त वो लोकतंत्र की बात कर रही है, सचिन पायलट पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि महत्वाकांक्षाएं उनकी इतनी बढ़ गई थी, इसी वजह से वो बगावत कर रहे हैं, केंद्र सरकार के वो संपर्क में है, बीजेपी ये पैसों के बल पर करा रही है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में देखें तो किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके शिवसेना ने जो कुछ किया, आज वो देख रही है कि उसी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी और इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। और कांग्रेस भी अब बीजेपी और सचिन पायलट पर आरोप लगा लगाकर और जिस तरीके की स्थिति उसने बनाई है और इस वक्त तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब शिवसेना को भी बीच में उतार दिया है और अब शिवसेना के जरिए वो बीजेपी और सचिन पायलट पर आरोप लगा रहे हैं। तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए राजस्थान में जो सरकार गिर रही है उसमें भूमिका में बीजेपी को माना है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनका हाथ है, जिस तरीके के कांग्रेस आरोप लगा रही थी। सामना में ये लिखा गया है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को पैसे फेंक कर जोड़ तोड़ करके बहुमत खरीदने की योजना बनाई गई थी, वो इसके लिए पायलट और बीजेपी नेताओं की फोन पर बातचीत को सामने लाए हैं। लेकिन फोन टैपिंग मामले में जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार फंसी हुई है और यहाँ पर जो महिमा मंडल है वो शिवसेना कांग्रेस की कर रही है, अशोक गहलोत सरकार की कर रही है, और वहीं पर सचिन पायलट को किस तरीके से दिखा रही है कि उस वक्त उनको सरकार का साथ देना चाहिए, भले ही जनता वहां की त्राही त्राही कर रही है, सचिन पायलट ने जितनी मेहनत की उसका भी फल उनको नहीं मिला और उसके बावजूद भी आज किस तरीके से उनको दरकिनार किया जा रहा है और इस सब के चलते उनको सरकार बचानी चाहिए, क्योंकि जनता से ज़्यादा बड़ी है अशोक गहलोत की सरकार, क्योंकि अगर राजस्थान में सरकार बची रही तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है बची रहेगी, और इसलिए कांग्रेस को खुश करने के लिए आज शिवसेना इस तरीके से सोनिया सेना बनकर बातचीत कर रही है। गहलोत सरकार गिराने के लिए केंद्रीय सत्ता का दबाव और पैसों का प्रयोग हुआ है, ये सामना में लिखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने उसे नस्ता नाबूद कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान सरकार ने अनैतिक तरीके से फोन टैपिंग की है, इस फोन टैपिंग की जांच अब केंद्रीय गृह विभाग करेगा और ऐसा आदेश भी मिलने की खबर हमने पढ़ी है। ये सही भी है, केवल ऐसे नेताओं का ही नहीं बल्कि किसी भी निजी बातचीत को चोरी से सुनना एक अपराध है, वो व्यक्तिगत आजादी पर हमला है। उसके बावजूद जिस तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया और उसके बाद भी अशोक गहलोत को इस तरीके से वो बचाने की कोशिश कर रही है और सोनिया गांधी को खुश करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना ने सामना में ये भी लिखा है कि ऐसे में केंद्रीय गृह विभाग इस संदर्भ में जांच करने वाला होगा, तो इसमें क्या गलत है? सवाल सिर्फ इतना है कि गहलोत सरकार ने इस बातचीत को सुना होगा तो कोई आपातकालीन स्थिति इस देश में या राज्य में बन गई थी क्या? राजस्थान में बहुमत की सरकार को गिराने की हलचल और इसके लिए विधायकों को ऊंचे दामों पर खरीद फरोख्त तो शुरू थी। सचिन पायलट की बगावत के पीछे नैतिकता कम और पैसों की
कामना ज्यादा थी, ये जनता और लोकतंत्र से विद्रोह है और भ्रष्टाचार है। लेकिन इससे पहले भ्रष्टाचार शिवसेना ने किया था। आज जो वो सचिन पायलट के लिए कह रहे हैं, कुछ दिन पहले ही शिवसेना ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने और खुद अब वो मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से सत्ता के लिए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी और भ्रष्टाचार दिखाया था, आज वो सचिन पायलट पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी अगर महत्वाकांक्षा के लिए लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहीं हुई है तो वो महाराष्ट्र में हुई है और वो शिवसेना ने की है। गठबंधन में रहकर इन्होंने जनता से वोट लिया, लेकिन उसके बाद किस तरीके से तीसरे नंबर की पार्टी और तीन विचारधाराओं की वहां पर सरकार चल रही है। और कभी अगर देखा जाता था तो कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग थी और शिवसेना की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की भावनाओं से खेलकर उन्होंने सरकार बनाई। आज वो सचिन पायलट और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि शिवसेना राहुल गांधी का भी बचाव कर रही है। उसका ये कहना है कि राजस्थान के मामले में बीजेपी के हालात कुछ यूं हो गई है कि करना कुछ और चाहते थे और कुछ और हो गया है। कांग्रेस और उसकी कार्यशैली पर फूल बरसाने की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी में अंतर्कलह या नए पुराने विवाद खत्म होने वाले नहीं है। राहुल गांधी को किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिलने देना है। इसके लिए मानो इस तरह के विवादों को कुछ निश्चित लोगों द्वारा समय समय पर उछाला जाता था। शिवसेना से ज्यादा दर्द कोई समझ नहीं सकता राहुल गांधी का, क्योंकि इससे पहले किसी पत्रकार ने ही कहा था कि आदित्य ठाकरे शिवसेना के राहुल गांधी साबित होंगे। लेकिन उस वक्त किस तरीके से शिवसेना बौखलाई थी और यहां तक कि अगर कोई सोशल मीडिया पे बेबी पेंगुइन कहता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तमाम तरीके की एक तानाशाही दिखाकर ये काम करते हैं, कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। और इसीलिए आज ये राहुल गांधी का दर्द महसूस कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी के पक्ष में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को इस तरीके से दोष नहीं देना चाहिए। और इससे कुछ दिन पहले अगर नजर डालें तो किस तरीके से शिवसेना ने सामना में ही लिखा था कि पायलट की महत्वाकांक्षा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की है, वो युवा है और भविष्य में उनके लिए मौका भी है। लेकिन गहलोत दोष के कारण भी भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में ही एक बड़ी लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहते हैं। ये कदम उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। पायलट का अहंकार राजस्थान में जैसे राज्य को अस्थिर कर रहा है, लेकिन केंद्रीय सत्ता का साथ मिले बिना ये संभव नहीं है। केंद्र सरकार विपक्षी सरकार को अस्थिर करने के सूत्र पर काम कर रही है। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि मोदी और शाह द्वारा एक विशाल कार्यक्रम लागू करने और एक तूफान खड़ा करने के बावजूद भाजपा और राजस्थान में सत्ता नहीं मिली, लोग कांग्रेस की तरफ थे। बेशक पायलट ने इस जीत के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जब आज पार्टी मुश्किल में है तो उन्हें नाव से कूदकर भागने वाले चूहे की तरह का काम करके खुद को कलंकित नहीं करना चाहिए। यानी कि शिवसेना का यह कहना है कि सचिन पायलट एक चूहे की तरह आज भाग रहे हैं। भले उन्होंने मेहनत करी, लेकिन अगर उनको फल नहीं मिला, उनको मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाया गया तो वो उप मुख्यमंत्री बनकर और जिस तरीके से राजस्थान के हालात थे उनको सब्र करना चाहिए था। भले ही जनता के भलाई के काम ना हो, लेकिन सरकार बचानी चाहिए थी। अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिरने देना चाहिए था और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी टूट रही है उसको भी उन्हें बचाना चाहिए था। ये बिल्कुल ये दिखाता है कि ये शिवसेना का अपना दर्द है, वो महसूस कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में ऐसे ही स्थिति आने वाली है और हालातों का अंदाजा शिवसेना को लग गया है और इसीलिए वो राजस्थान की स्थिति पर इतना गंभीर है और इस तरीके से बीजेपी और सचिन पायलट पर वो हमला कर रही है। साथ ही शिवसेना की बौखलाहट भाजपा पर भी दिखाई पड़ी। किस तरीके से उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने सबूतों के आधार पर भाजपा के एक नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन भाजपा इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर बयान दे दिया है। यहां तक कि सीबीआई जांच की भी मांग बीजेपी कर रही है, लेकिन लगातार राजस्थान सरकार इससे इनकार कर रही है। वो अभिषेक मनु सिंघवी का बयान हो या तमाम कांग्रेस के लीडर जो ये कह रहे थे कि सीबीआई अगर जांच होती है तो क्लीन चिट दे दी जाएगी और मामले में कुछ भी नहीं होगा, एक तरीके से केंद्र सरकार अपने हाथों में लेकर अपने तरीके से इसको हैंडल करेगी, और ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। और यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि अगर राज्य सरकार इसकी जांच कर रही है तो क्या राज्य सरकार अपने मन मुताबिक काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की दोहरी मानसिकता वहां पर दिखाती है। और अब शिवसेना किस तरीके से कांग्रेस को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए अब सचिन पायलट और बीजेपी पर इस तरीके की वार कर रही है और यह दिखा रही है कि हम आपके सगे हैं, भले ही हमारे अंदर कला है लेकिन सरकार टूटने नहीं देना है, क्योंकि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर है और वहां पर जो कला आपसी कला दिखाई देती है वहां पर
पर भी सरकार गिरने की स्थिति में हो, और इसीलिए शिवसेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान में सचिन पायलट को नहीं जाना चाहिए था, सरकार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, और आने वाले दिनों में यही बात वो महाराष्ट्र में भी कहेगी, और कांग्रेस और एनसीपी को लेकर वो ये कहेगी कि भले ही मनमुटाव है लेकिन सरकार नहीं गिरने देना है, यानी कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं और अपनी बौखलाहट इसीलिए वो दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।